आज हम स्केलर और वेक्टर के बारे में यहाँ पर आज एक्सप्लेन करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे पहचानोगे, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल गिवन है, ये स्केलर है आर वेक्टर। स्केलर और वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है। सभी बच्चे इस चीज को विशेष करके ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जहां पर भी फिजिक्स है वहां पर तुमको स्केलर और वेक्टर मिलेगा। बार बार इस चीज को रिपीट किया गया, हर एक क्लास में रिपीट किया गया। क्यों? इसलिए बताया गया, इसलिए सिखाया गया है, क्योंकि हर एक क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज हमारी इंक्रीज कर जाती हैं और उन क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन हमको जाननी जरूरी है। हर एक क्लास में अलग अलग क्वांटिटी उसमें इंक्रीज कर जाती हैं, तो वहां पर इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी। इसलिए हर एक क्लास में, हर एक फिजिक्स की बुक में इसकी स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन वहां पर दी जाती है। अब इसमें स्केलर क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव वनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। बहुत अच्छे से इसको समझना है, जानना है। नोटबुक ले लीजिए, उस नोटबुक को अपने जो तुम्हें ऐसा लगे उसको तुरंत नोट करिए, उसको समझिए, एक-एक पॉइंट को समझिए। तो विच द क्वांटिटी विच हैव वनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये एक बुक में जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है मैग्नीट्यूड। इसके पहले क्लास में हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहां पर अब फिर हम मैग्नीट्यूड बताएंगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? छोटी छोटी चीजें होती हैं फिजिक्स में, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। मालूम होता बच्चों को ये चीज है, लेकिन थोड़ा सा यदि मान लो कहीं पर थोड़ा सा डाउट बन गया तो फिर दिमाग में वो डाउट बना रहता है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो मैग्नीट्यूड सबको मालूम है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज कि हमारा वेट 50 kg है, 50 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। कोई भी ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड जा रही है, 20 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। कोई भी लेंथ 10 मीटर है, 10 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। करंट फाइन में करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रही, 10 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन सबको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, कि एकदम मालूम होना चाहिए ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक। हाँ, तो ये स्केलर हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल यहां पर क्या है? एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज द क्वांटिटी विच हैव वनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। इसमें यहां पर जो है वनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, लेंथ, टाइम,
work energy etc. इसमें यहां पर जो है बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी हैं। तो इसमें जैसे हमने दे दिया स्पीड दे दिया, अब यहां पर जैसे हाई स्कूल में बच्चे थे, हाई स्कूल में थे तो उसमें 20 स्केलर क्वांटिटी दे दी गई थी, 20 वेक्टर दे दी गई थी, उसी में से एक क्वांटिटी पूछ ली गई थी स्केलर है या वेक्टर, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं, फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं, आगे बहुत सारी क्वांटिटी हैं, उसको तुम्हें अच्छे से समझना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो उसको समझने के लिए यहां पर आप कैसे समझोगे कि कोई भी क्वांटिटी वो स्केलर है तो कैसे है, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि यदि कोई भी गिवन क्वांटिटी स्केलर है तो कैसे है, उस चीज को अच्छे से समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड हमने ले लिया, अब स्पीड हमारी स्केलर है, उसको समझना है कैसे है स्पीड। जैसे मान लो सपोज के लिए एक ट्रेन है, ट्रेन हमारे इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सपोज दैट ट्रेन 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा रही है तो 20 से जाएगी। यदि वही ट्रेन हम सपोज करिए वेस्ट में कर दें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इस चीज को थोड़ा समझिए फिर आंसर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड नो चेंज। उस ट्रेन को चाहे हम ईस्ट में ले जाएं चाहे वेस्ट में ले जाएं, उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आर नो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जितना है 20 है 20, उसको किसी भी डायरेक्शन में उसको दौड़ा दिए, इसलिए स्पीड में वनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है मास, मास यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको समझना है मास स्केलर क्वांटिटी कैसे है। जैसे मान लो सपोज दैट हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर ये ईस्ट है, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है तुम लोगों को विशेष करके, जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे डायरेक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, हम किसी भी डायरेक्शन में बैठे हों इससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे जिस डायरेक्शन में बैठे हैं, जिस हमारे दाहिन लेफ्ट राइट होता है वो ऑलवेज ईस्ट होता है। कहीं पर किसी भी डायरेक्शन में हम बैठे हों तो जो हमारा राइट होगा वो ईस्ट होगा, जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ। इस चीज को 101% क्लियर कर लीजिए। डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है तो जो तुम्हारे राइट है वो ईस्ट है, जो लेफ्ट है वो वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ये 101% ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए। कहीं पर कोई भी डायरेक्शन से आए तुरंत कीजिए, डायरेक्शन बनाइए तुरंत कट दे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इसमें यहां पर देखिए मास है, हमने ईस्ट में यहां पर 1 kg का वेट यहां पर लिया, 1 kg का वेट ले लिया, इसको वेस्ट में यहां पर कर दिया, इससे उठा करके हमने यहां पर वेस्ट में इसको कर दिया। तो वेस्ट में करने पर इसका वेट ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। इससे हमने वेस्ट में रख दिया तो इसका वेट ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, अर्थात 1 kg है तो 1 kg का ही रहेगा। तो इसलिए इसमें वनली मैग्नीट्यूड है बट नॉट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। टाइम लेंथ है, लेंथ यदि मान लो सपोज करिए हम इस बोर्ड की लेंथ मेजर करें तो बोर्ड की लेंथ चाहे इस साइड से मेजर करें, यदि 1 meter है तो 1 meter रहेगी, इस साइड से मेजर करें तब 1 meter है तो 1 meter ही रहेगी, ना तो इंक्रीज करेगी और ना ही डिक्रीज करेगी। दूसरा इसमें दिया है टाइम है, टाइम हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है स्केलर क्वांटिटी हमारी इसलिए है क्योंकि टाइम जैसे इस समय 12 o'clock है तो 12 o'clock कहीं पर चले जाइए वहां पर 12 o'clock है, या पूरी हम वॉच को हम क्या करें मूव करा दें तब भी 12 o'clock ही होगा, उसको चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन रखिए तब भी हमारा, इसलिए वनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसी प्रकार टाइम है, वर्क है, एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है सारी एनर्जी हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें वनली मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट डायरेक्शन। और एक स्केलर की डेफिनेशन एक और याद कर लीजिए सब लोग, इसमें स्केलर क्वांटिटी में जो है दीज क्वांटिटीज चेंज द डायरेक्शन
which physical quantity change the direction but not change in direction, this is called scalar quantity. वो quantity जो है जो जिसकी direction change करने पर magnitude change ना हो, this is called scalar quantity. इस definition को सब बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे समझ जाइए. कोई भी यदि मान लो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज करिए, यदि उसका मैग्नीट्यूड नो चेंज, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. स्केलर हो गया, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनको अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए. सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में कई बार हम इस चीज को बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट मेन होता है. कॉन्सेप्ट यदि तुम्हारा क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है. यदि कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो फिर कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्लियर करिए और फिर उसको सॉल्व करिए. आगे इसमें वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटी which have